भाजपा नेता खालिद मंसूरी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गरिमा दसौनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल बीते दिनों एक पारिवारिक वाद के चलते भाजपा नेता खालिद मंसूरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भाजपा और वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके चलते प्रदेश में चर्चा का विषय काफी सुर्खियों में रहा। वहीं खालिद मंसूरी को परिवारवाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद आज विकास नगर में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात कर चर्चा की, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर निराधार बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट की संवैधानिक प्रक्रिया बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर उनके पारिवारिक मामले को तूल देकर भाजपा और वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की साजिश किए जाने का आरोप लगाया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। इस मामले को छुटवाइए, लोगों ने इस मामले को उठाया जो कि सब नंबर दो कारोबारी है। उसके बाद में इसमें विपक्ष की सभी पार्टियों ने अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश की, रातों रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। मुझे एक बात बताइए, माननीय न्यायालय के अंदर जब मैं पेश हुआ तो पुलिस का प्रेस नोट था, फला फला मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, एक लाइन तो हो गई है। इन लोगों ने मीडिया को भ्रमित करते हुए, वो चाहे विकास नगर की मीडिया हो, वो सहारनपुर की मीडिया हो, इन्होंने मीडिया को भ्रमित करते हुए, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबको इन लोगों ने भ्रमित किया। और उसमें इन्होंने जो प्रेस नोट दिया है उसमें इन्होंने बदमाश दिखाया मुझे, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है ये सरासर जो जी।